मोबाइल फोन पर कान मास्टर में कौन कौन से फीचर दिए गए हैं और कौन कौन से फीचर से क्या यूज किया जाता है, इसका मैं लास्ट वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बता चुका हूं। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप कान मास्टर से एक सही ढंग से प्रॉपर वीडियो को एडिट करेंगे, जिससे आपको कान मास्टर को समझने में काफी आसानी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन पे कान मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस नज़र आएगा। बड़ा वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं प्लस वाला, इस पर ओके करेंगे। ओके करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से यह ऑप्शन नज़र आएगा। पहला वाला जो है 16:9 का रेशियो ऐप है, जो यूट्यूब के लिए है। मोबाइल फ़ोन के लिए अब यूज कर रहे हैं तो 9:16 का। अगर इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए यूज कर रहे हैं तो 1:1 का चूज कर लेना है। तो मैं यूट्यूब के लिए अपना प्रोजेक्ट यूज बनाना चाहता हूँ तो 16:9 का रेशियो चूज करेंगे। चूज करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस नज़र आएगा। आप अपना वीडियो ऑडियो इमेज को भी आपको इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मीडिया में जाएंगे, जहां भी आपका फाइल हो फोटो हो उसको इस तरीके से सेलेक्ट करके आपको इस तरीके से इसको इंसर्ट कर लेना है। इस तरह इंसर्ट हो जाएगा आपको। अब इसमें से आपको चेक करना है कि कहाँ आपका गैर एनसेसरी पार्ट है, जो आप गलत बोले हुए हैं, इसको आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे सीजर पे, और यहाँ ऊपर में देख रहे हैं कि ट्रिम टू लेफ्ट और प्ले हेड, इस पर क्लिक करेंगे तो बाएँ साइड का डिलीट हो जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पर कुछ लग रहा है कि गलत यहाँ से बोल रहे हैं तो इस तरह सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद सीजर पर जाएंगे और यहाँ देख रहे हैं कि ट्रिम टू राइट और प्ले हेड, तो यहाँ पे ओके करते जितना राइट साइड का रहेगा वो हट डिलीट होकर उड़ जाएगा। इसी तरीके से अगर बीच में कुछ लग रहा है कि गलत बोल दिए हैं तो इस तरह सेलेक्ट करेंगे, सीजर में जाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि स्प्लिट टू प्ले हेड, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पार्ट इसे डिलीट हो जाएगा। जहाँ तक लग रहा है कि गलत है इसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे, सीजर में जाएंगे, स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक करेंगे, ये देखिए डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ डिलीट पे करके हटा देंगे। अगर लग रहा है कि नहीं मेरा कुछ गलत नहीं है, सही है, सिर्फ यहाँ अंडो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके जो भी हम गलत किए हैं उसको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। इसी तरह से आपको जो भी एक्सेसरी पार्ट आपको इसके बीच में नज़र आता है उसी तरीके से आप इसको डिलीट करके आप उड़ा सकते हैं। इसके बाद इसमें हम अपना एक इंट्रो लगाना चाहते हैं, तो इंट्रो लगाने के हुए वहाँ से सेलेक्ट करके इसमें ऐड कर लेंगे। इस तरीके से हम इंट्रो ले आएंगे। अब दो इंट्रो हो गया, मेरा वीडियो हो गया, इसके बीच में हम चाहते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन इफेक्ट हो तो इसलिए सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए ट्रांजैक्शन इफेक्ट आ चुका है। इसमें से आप जो भी ट्रांजैक्शन लगाना चाहते हैं, जैसे यहाँ 3D ट्रांजैक्शन हम लगाना चाहते हैं, कलेक्ट इस पर ओके करेंगे। जैसे मैं इस पर ये लगाना चाहता हूँ तो देखिए मेरे वीडियो में अप्लाई हो चुका है। तो आप जो भी लगाना चाहते हैं इसे सेलेक्ट कीजिएगा, वो आपके वीडियो में इस तरीके से देखिए अप्लाई हो जाता है। तो आप जो भी लगाना चाहते हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं ये लगाना चाहता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ये अप्लाई हो जाएगा, राइट ओके करेंगे। अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखा देता हूं। सो इस तरीके से आप दो वीडियो के बीच में अपना जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट लगा सकते हैं। चलिए मैं इसमें कोई अगला वीडियो और भी मैं ऐड कर लेता हूं, तो इसके लिए मीडिया में जाएंगे और इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे वीडियो जहां भी होगा वहां से। अब जैसे ही देखिए कि मैं यहाँ एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया हूँ, और ये दोनों के बीच में ही मैं चाहता हूँ कि एक ट्रांजैक्शन इफेक्ट हो, तो इसीलिए प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, और जहाँ भी आप ट्रांजैक्शन इफेक्ट रखे हैं इसमें है तो आप अलग से भी इसमें रख सकते हैं। अगर ये इसमें से चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर फोन वाले हम लेना चाहते हैं तो ये वाले क्लिक करेंगे, ये देखिए अप्लाई हो चुका है, मैं इस पर ओके करूँगा। तो मैं अब इसको प्ले करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इसको कि अब ये कैसे चल रहा है। तो मैं अब इसको प्ले करके दिखा देता हूँ कि कितना अच्छा लगता है। मैं यहाँ से इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपने दो वीडियो के बीच में ट्रांजैक्शन इफेक्ट रख सकते हैं और अपने वीडियो को प्रोफेशनली बना सकते हैं। अब हम बताएंगे कि आपको जो वीडियो है, इस वीडियो के जो
बैकग्राउंड में अगर आप म्यूजिक देना चाहते हैं तो म्यूजिक को आप कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए ऑडियो में जाएंगे। ऑडियो में जाने के बाद अपने जहाँ भी म्यूजिक है उस वो म्यूजिक को आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, आपके वीडियो में ये अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपके पूरे वीडियो में अप्लाई हो चुका है। इसके बाद अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। यहाँ देखिए ट्रिम और स्प्लिट, इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ट्रिम टू राइट और प्ले हेड, इस पर क्लिक करेंगे। आपका जो भी अनसेसरी बार ज़्यादा था वो डिलीट हो चुका है। अब देखिए इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इसको वॉल्यूम कम करने के लिए सेलेक्ट करेंगे। यहाँ जो वॉल्यूम वाला आइकन है इस पर आप ऐसे कम बेसिक कर सकते हैं, इसको 30% तक आप इसको करके रख सकते हैं, 30% से कम करके इसको रख सकते हैं। अब मैं इसको आपको यहाँ पर राइट ओके करेंगे, मैं इसको प्ले भी करके दिखा देता हूँ। तो देखिए इसका आवाज़ कम हो चुका है। अब देखिए कि मेरा इंट्रो के बीच में ये जो वॉल्यूम आवाज़ आ चुका है, तो सिंपली हम इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए हैं ट्रिम का ऑप्शन है, तो यहाँ देखिए स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए कट हो चुका है, ओके करेंगे। अब जहाँ तक काटना चाहते हैं इसी तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, ट्रिम वाला ऑप्शन पर जाएंगे, स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक करेंगे, ये देखिए कट हो चुका है, ओके करेंगे। यहाँ देखिए ये कट हो चुका है। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे, देखिए ये डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से आप अपने जो भी ऑडियो या वीडियो का बीच में कुछ म्यूजिक वगैरह आ जाता है तो इसी तरीके से आप इसको कट करके हटा सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपने वीडियो में आप कोई भी लोगो बना रखे हैं अपने चैनल वगैरह का, तो इसको कैसे लगाएंगे। इसके लिए आप कहाँ लेयर पर जाएंगे, यहाँ मीडिया में जाएंगे, जहाँ होगा वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से जहाँ पर होगा वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं ओके सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मेरा लोगो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखिए मेरा अप्लाई हो चुका है। इसके बाद इसका इस तरह से छोटा बड़ा कर लेंगे और जिधर भी रखना चाहते हैं इस तरीके से इसको उठा के इस तरीके से रख सकते हैं और जितना छोटा बड़ा चाहे इसको ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन कर पकड़ के जहाँ तक लेके जाना चाहते हैं इस तरीके से इसको घींच के यहाँ तक इसको बढ़ा देंगे। इस तरीके से यहाँ ओके करेंगे। अब देखिए कि मेरे जो है इंट्रो में भी ये लोगो आ चुका है और मेरा जो पहले से भी इंट्रो में लोगो है, तो सिंपली हम इसको कट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो ट्रिम का ऑप्शन है इस पर ओके करेंगे। यहाँ देखिए कि स्प्लिट एट प्ले हेड पर इस पर ओके करेंगे। देखिए कट हो चुका है। इसको जहाँ तक कट करना है इसको यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वहाँ ओके करेंगे। यहाँ जो है आपका सीजर है ओके करेंगे। स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक करेंगे। देखिए कट हो चुका है। यहाँ पर ऊपर में कोने पर राइट का निशान है, ओके करेंगे। देखिए कट हो चुका है, इसलिए सेलेक्ट करके यहाँ डिलीट कर लेंगे। अब देखिए ये मेरा जो बीच का पार्ट है ये ऑलरेडी इस तरीके से डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने जो बीच का पार्ट है बहुत ही आसानी से डिलीट करके इसको हटा सकते हैं। अगर छोटा बड़ा कहीं है तो इस तरीके से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये कट हो चुका है। अब चाहते हैं कि मेरे वीडियो में कोई इसमें और फोटो वगैरह ऐड हो, तो सिंपली अगर फोटो वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो इसी तरह यहाँ स्टार्टिंग में जाएंगे, लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और जहाँ भी फोटो वगैरह लोगों वगैरह रख रखे हैं सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए फोटो है, मैं यहाँ फोटो पर क्लिक करूँगा। देखिए फोटो आ चुका है। अब जहाँ भी आपको रखना है ये फोटो इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो बहुत सारे इसके बाद यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करके जितना भी बनाना चाहते हैं इसको पूरा वीडियो में इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं पहले बताया कि कट कैसे करना है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर जाना है, सेलेक्ट करना है, यहाँ सीजर पर जाना है, ट्रिम करना है, ओके करना है, इस तरह इसे यहाँ पर जाना है, सेलेक्ट करना है, ट्रिम सीजर पर जाना है, स्प्लिट करना है, इस तरीके से सेलेक्ट करके आपको डिलीट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि आपको जो फोटो अप्लाई हो चुका है। बहुत सारे वीडियो में देखे रहिएगा कि इस तरीके से फोटो रहता है तो वो यहीं से इसको अप्लाई किए रहता है। तो आप भी बहुत ही आसानी से यहीं से इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ चाहे जहाँ इधर चाहे इसको इस तरीके से उठा के रख सकते हैं। अब तो ये हो गया, अब जो है लोगो वगैरह सेट हो गया। अब अगर चाहते हैं कि हम इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखे तो इसके लिए सिंपली यहाँ लेयर में जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं इस तरीके से लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ जूम लिख दिया, जूम लिख के आप इस तरीके से छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं और जहाँ भी चाहे इसको रख सकते हैं। कलर वगैरह यहाँ पर क्लिक करके आप जो भी कलर वगैरह देना चाहें इस तरीके सेलेक्ट करके कलर दे सकते हैं। और यहाँ से देख रहे हैं फ्रंट का है, यहाँ पर जो भी फ्रंट देना चाहते हैं इस तरह सेलेक्ट करके आप फ्रंट को ओके कीजिएगा, आपका फ्रंट ये छोटा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं इन एनिमेशन का है, इस तरीके से आपका जो है एनिमेशन होता रहेगा, आपका जो भी है टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो, तो जो भी टेक्स्ट लिखे रहेगा इस तरीके से ये अप डाउन होता रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका और ऑप्शन मिल जाता है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद
इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप यहां देख रहे हैं कि ओवर एनिमेशन है, ओवर एनिमेशन पर जाके इस तरीके से और ओवर एनिमेशन इसमें लगा सकते हैं। जो भी आप ओवर एनिमेशन लगाना चाहते हैं इस तरीके से आप ओवर एनिमेशन लगा सकते हैं, आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीका से लगेगा। और इसको आप जितना भी चाहे इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं, पूरा वीडियो में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसे यहाँ ओके करेंगे। इसके बाद और भी लगाना चाहते हैं, यहाँ ऑटो एनिमेशन का ऑप्शन है तो ऑटो एनिमेशन भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑटो एनिमेशन वगैरह भी लगा सकते हैं। सो इस तरीके से आप ऑटो एनिमेशन भी लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला आपका पूरे वीडियो में अप्लाई हो जाता है। जैसे मैं यहाँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ देख रहे हैं कैप्चर एंड स्क्रीन, यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे, आपका जो स्क्रीन है कैप्चर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं थंबनेल वगैरह बनाऊँ तो इस तरीके से आप इसको थंबनेल भी बना सकते हैं। आपको यहाँ पर ओके करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कैप्चर एंड सेव, इस पर ओके करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपका यह स्क्रीनशॉट मोबाइल में गैलरी में ऐड हो जाएगा। आप इससे थंबनेल वगैरह भी बना सकते हैं बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। तो इस तरीके से अपना वीडियो का एडिटिंग कर सकते हैं। और कोई भी पिक वगैरह, कोई भी इंट्रो, इसके बाद आपका जो हो गया एनिमेशन वगैरह, इसमें बहुत ही आसानी से आप इसको सेट कर सकते हैं। और टेक्स्ट वगैरह भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, म्यूजिक वगैरह लिख सकते हैं, इसको घटा बढ़ा सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मैं बताया हूँ कि किस तरीके से आप अपने वीडियो को एक प्रोफेशनल तरीके से एडिटिंग करेंगे। अब अगला ऑप्शन है कि आप बहुत सारे वीडियो देखे होइएगा जिसमें एकदम से वीडियो स्टार्ट नहीं हो जाता है, वीडियो धीरे धीरे जो इसका लाइटिंग आता है और वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ता है, और वीडियो के अंत में वॉल्यूम जो है धीरे धीरे कम होता है और वीडियो का लाइटिंग भी कम होता है। तो उसको आप कहाँ से कर सकते हैं, तो उसको कम करने के लिए आप सिंपली यहाँ सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद ऑडियो का ऑप्शन है, इसको आप ऑन कर देंगे। इसके बाद यहाँ फेड इन का ऑप्शन है, इसको भी ऑन करेंगे, और ये फेड आउट का ऑप्शन है, इसको भी ऑन कर देंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है वीडियो का, वीडियो में भी जाने के बाद फेड इन को ऑन करेंगे और फॉर इसके बाद फेड आउट को भी यहां से ऑन करेंगे, ओके कर देंगे। अब मैं आपको यहां से प्ले करके दिखा देता हूं कि ये किस तरीके से जो वीडियो का जो वॉल्यूम है धीरे धीरे बढ़ेगा और वीडियो का लाइटिंग भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो वीडियो का लाइटिंग और वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगा, मैं आपको यहाँ से प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आपने देखा कि ये एकदम से नहीं बढ़ गया बल्कि धीरे धीरे बढ़ गया। तो बहुत सारा वीडियो आप देखे ही होइएगा इस तरीके का वीडियो, तो वो यहीं से किया जाता है। चलिए मैं आपको एक बार और प्ले करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं इसका एंड वाला पार्ट भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से धीरे धीरे वॉल्यूम कम होगा और इसका लाइटिंग भी कम होगा। तो मैं यहाँ से प्ले कर देता हूँ। सो आप इसी तरीके से अब इसका वॉल्यूम धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वीडियो का लाइटिंग कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर लग रहा है कि सब कुछ बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से वीडियो एडिट हो चुका है, तब आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर लग रहा है कुछ कमियाँ या खामियाँ हैं, तो उसको जैसे मैं आपको सभी पार्ट को बताया हूँ उसी तरीके से एडिट करके अपने वीडियो को बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से आप शानदार वीडियो बना सकते हो। तो ये मेरा वीडियो बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से एडिट हो चुका है, अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर में जो राइट वाला जो आइकन है तीर का निशान, उस पर जाकर आप वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। चलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ। ऊपर में क्लिक करते ही आपको सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं रिजोल्यूशन, यहाँ फुल HD 1080 पिक्सल भी यूज कर सकते हैं। अगर YouTube के लिए आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि HD आप यूज कर सकते हैं, मतलब HD का फुल फॉर्म हो जाता है। HD का ये हाई डेफिनेशन, तो ये HD का फुल फॉर्म हो जाता है 720। इसके बाद 480 भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेम रेट आप अगर 1080 मेगापिक्सल यूज करते हैं तो 30 रखिएगा, अगर YouTube के लिए आप यूज करते हैं तो 720, और यहाँ पर आपको 24 सिनेमा रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे लो हाई अगर इसको कर रहे हैं तो इस तरीके से आपके वीडियो का साइज भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपको जितना बड़ा इसको बढ़ाइएगा उसका वीडियो का साइज आपका बढ़ जाएगा, इसीलिए आपको यहाँ 5 पॉइंट कुछ ही रख लेना है। इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना है। ये वीडियो के साइज पर डिपेंड करता है, आपके जितने बड़ा वीडियो रहेगा उतना टाइम ये एक्सपोर्टिंग होने में लेगा। अभी मैंने वीडियो को एक्सपोर्ट किया है, मैं उसको प्ले करके दिखा देता हूँ। आप भी इसी तरीके से अपने वीडियो को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं जो भी वीडियो को एक्सपोर्ट किया हो मैं उसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए प्ले करेंगे।
सो इसी तरीके से आप अपने वीडियो को बहुत ही प्रोफेशनली तरीक़े से आप इसको एडिट कर सकते हैं, और आपका जो भी प्रोजेक्ट है आप अपने प्रोजेक्ट में इस वीडियो को जो भी आप एक्सपोर्ट किए रहिएगा, एडिटिंग किए रहिएगा, उस वीडियो को आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से हम कान मास्टर से हम अपने वीडियो को एक प्रॉपर और प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हैं और हम इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।